तो फाइनली यहाँ पे मैंने मैगा जंप का चीट कोड एक्टिव कर लिया और यहाँ पे देख लो क्या ही व्यू आ रहा है। और ये देख लो, ये रहा हमारा न्यू हाउस। तो आज हम खेलने वाले हैं इंडियन कार बाइक ड्राइविंग GTI V। तो आपको पता होगा ये न्यू इंडियन गेम रिलीज हुआ, तो इसके अंदर आपको आज चीट कोड भी बताऊंगा। सबसे पहले आप देख लो, लॉस चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले 6000 डायल करना पड़ेगा। यहाँ पे चीट कोड के थ्रू आपको लॉस चेंज कर सकते हो। आप देख लो 6001 डायल करोगे यहाँ पे इसकी पेंट चेंज कर पाओगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, आप देख ही पा रहे। तो फोन के अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलता, आप चीट कोड के थ्रू यहाँ पे चेंज कर सकते हो। 6002 डायल करने से इसका बैग हम लगा सकते हैं, आप देख ही पा रहे। तो ये इसके अंदर न्यू ऑप्शन ऐड किया गया जो कि चीट कोड के थ्रू ही आपको लोग चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देख लो इसको मास्क भी लगा सकते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप 6003 डायल करोगे यहाँ पे इसका मास्क भी लगा सकोगे। तो भाई देख लो क्या ही मस्त लग रहा है। बाकी न्यू अपडेट की भी बात करेंगे, इसके अंदर आज चीट कोड जो कि हमारी इंडियन बाइक्स हैं, इंडियन कार्स हैं, सबके चीट कोड भी बता दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और यहाँ देख लो आपको नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे आपको हाउस मिलता है जो कि लग्जरी हाउस है। और बैक साइड पर देख लो आपको यहाँ पे स्विमिंग पूल भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से नीचे उतरते हैं। बाकी ये क्या हो गया भाई, करेक्टर हमारा गिर गया है। तो सबसे पहले इसके अंदर जितने भी कार्स हैं उनके चीट कोड बता दो, इसके बाद आपको जितनी भी बाइक्स हैं उनके भी चीट कोड बताऊंगा। और लास्ट में आपको मैगा जंप का चीट कोड बताऊंगा। इसके अलावा इसके अंदर और भी सीक्रेट चीट कोड है जो कि आज वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चीट कोड देख लेते हैं। यहाँ पे 2017 जैसे डायल करोगे हमारी इनोवा कार स्पॉन हो जाएगी। इसके अलावा 2016 डायल करने से हमारी फॉर्च्यूनर लेजेंडर आ जाती है। इसके अलावा 2015 डायल करने से हमारी जो नो रबर फॉर्च्यूनर है वो आ जाती है, आप देख ही पा रहे होंगे। और 2014 डायल करने से हमारी नेक्स्ट कार आती है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, आप देख ही पा रहे होंगे, सिल्टोस आ जाती है। और 2013 डायल करने से हमारी नैनो कार आती है, आप देख ही पा रहे होंगे। 2012 डायल करने से हमारी स्विफ्ट स्पॉन होती है। और 2011 डायल करने से हमारी वैन जो कि ओमनी वन हम सबकी फेवरेट है, इसके अलावा ये वाली कार आती है। इसके अलावा 2009 डायल करने से हमारी ये वाली कार आती है जो कि डस्टर कार है। और 2008 डायल करने से हमारी रेंज रोवर आती है। और 2007 डायल करने से हमारी आल्टो कार आती है जो कि नॉर्मल ही है। और 2005 डायल करने से हमारी जो थार जो कि हम सबकी फेवरेट है। इसके अलावा 2004 डायल करने से हमारी स्कॉर्पियो S11। और 2003 डायल करने से हमारी सिल्टोस कार आ जाती है। और 2001 डायल करने से हमारी वरना जो कि भाई आप देख ही पा रहे होंगे हमारी क्या ही नेक्स्ट लेवल की वरना कलर। 2000 पूरा डायल करने से हमारी होंडा सिटी आती है। यहाँ पे मैंने कार के ऊपर स्पॉन करवा दिया। बाकी देख लो ये रही सारी कार जो कि इस गेम के अंदर हमें देखने को मिलती है। थार ही देख ही पा रहे होंगे क्या ही मस्त लग रही है। बाकी इसके अंदर जितनी भी बाइक्स हैं उनके चीट कोड देख लेते हो। उससे पहले आप वीडियो को लाइक मारो, बाकी आपको मैं सीक्रेट चीट कोड भी बताता हूँ। बाकी देख लो हमारी फॉर्च्यूनर, इसके अलावा हमारी लेजेंडर, हमारी नैनो कार स्विफ्ट, और ये देख लो हमारी वैन जो कि हम सबकी फेवरेट है। और डस्टर कार भी मिलती है, हमारी रेंज रोवर भी देखने को मिल जाती है, और स्कॉर्पियो S11 भी मिलती है। यहाँ पे आपको जितनी भी बाइक्स हैं उन सभी के चीट कोड बताता हूँ। जैसे आप 1000 डायल करोगे हमारी न्यू बाइक यहाँ पे स्पॉन हो जाएगी KTM में, आप देख ही पा रहे होंगे RC390। 1001 डायल करने से हमारी RC200 बाइक आती है, और 1002 करने से 125 आती है, और 1003 डायल करने से हमारी Duke 390 आती है। और आप देख ही पा रहे होंगे जितने भी चीट कोड इनकी लिस्ट भी आपको नीचे मैं दे दूंगा। बाकी 105 डायल करने से हमारी Duke 200 आती है, और 106 डायल करने से हमारी स्प्लेंडर आती है। और देख ही पा रहे होंगे क्या ही लग रही है। और जितनी भी बाइक्स के चीट कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और यहाँ पे आपको पल्सर भी देखने को मिलती है, हमारी जो ड्यूक बाइक है वो भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको स्प्लेंडर भी मिलती है, और देखो यहाँ पे बुलेट बाइक भी देखने को मिल जाती है। और जितनी हमारी स्प्लेंडर बाइक है देख लो ब्लैक में क्या ही लग रही है। और जितनी भी फेमस बाइक है जो कि वर्ल्ड फेमस है और हमारे इंडिया में भी फेमस है, सारी की सारी इस गेम के अंदर बाइक देखने को मिल जाती है। और इस गेम का नेम आपको बता दे, बाकी इस गेम को डाउनलोड किस तरह से करना है उसका वीडियो मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। अभी तक आपने उसको नहीं देखा जाके देख लो, उसमें A to Z बता दिया किस तरह से इस गेम को आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट्स में भी दे दूंगा, वहां से जाकर इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी तो जितनी भी कार्स हैं सभी के मैंने चीट कोड आपको बता दे, बाकी आपको सीक्रेट चीट कोड बताता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक मारो। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट चीट कोड बताता हूं, उससे पहले आप यहाँ पे फोन के अंदर जो ऑप्शन है वो देख लो। यहाँ पे आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है जो कि फ्रंट से भी फोटो ले सकते हो। बाकी देख लो करेक्टर क्या ही मस्त लग रहा है। चलिए आपको सीक्रेट चीट कोड बता दो। जैसे अपने फोन के अंदर आप चीट कोड डायल करोगे 8522, तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको मैगा जंप का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि नेक्स्ट लेवल के। यहाँ जैसे आप उसको दौड़ाओगे तो आप देख ही पा रहे हमारा करेक्टर हवाओं में, और भाई नीचे से व्यू देख लो क्या ही मस्त लग रहा है। तो अगेन इसको मैं जंप करवा के दिखाता हूँ, आप देख ही पा रहे। जैसे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे इसको रन करोगे तो यहाँ पे आपको जंप करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे 8522 जैसे डायल करोगे तो यहाँ पे मेरा मेगा जंप का चीट कोड एक्टिव हो जाएगा जो कि सीक्रेट ही है। आप में से किसको पता था मुझे कमेंट से बता देना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। तो लेट्स गो भाई साहब, क्या ही व्यू आ रहा है भाई। तो आज का गेम प्ले यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट से बताना आपको ये गेम कैसा लगा। बाकी इसकी न्यू अपडेट भी आने वाला बहुत जल्द, तो कमेंट से बता देना इस गेम के अंदर और क्या कुछ चेंज होना चाहिए। तो आप मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।